सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि भाई कौन सा डालूँ, तो आप थोड़ी रिसर्च कर दो और वहाँ पर डालो, क्योंकि मैं यहाँ पर से बताऊँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेफर कर देंगे और वहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा है आप ही। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि फॉर्म कैसा कैसा भरना है वगैरह वगैरह, तो आज हम ही वही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल फॉर्म दिखाऊंगा कि कैसा कैसा भरना है वो आपको, तो उसी के कारण आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो भाई ने बोला करने का तो करने का। ओके, गूगल पर ये देखो, तो अभी हम इसमें डालेंगे GDS 2023, ये आएगा आपके पास। सर्च करोगे कि पहली साइड है, पहली साइड पर आपको क्लिक करना है, तो उसके बाद ये साइट खुल जाएगी। अपने पिछले साइकिल में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के आप लॉगिन करके ये सब कर सकते हो। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन करके दिखा दें पहले रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले आपका नंबर इस यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा, फिर उसके बाद ईमेल आएगा, जो आपका चालू मोबाइल नंबर है वही डालो और जो आपका है वही डालो, क्योंकि जब रिजल्ट लगेगा तो उसी पर ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपका सिलेक्शन वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नेम्स वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आप किस सर्कल से अप्लाई करने वाले हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप किस सर्कल पर, मतलब मध्य प्रदेश से हो से तो मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश से अप्लाई करना, महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र से अप्लाई करना, और बाकी स्टेट्स के हो तो बाकी स्टेट से अप्लाई करना। तो अभी क्या करता हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अभी तक तो मैंने जैसे स्टेप बताए वहाँ से। तो अभी डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन, जब आपने पिछली साइकिल में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर OTP में के हिसाब से आप पुराने मैसेज वगैरह में देख सकते हो, मैसेज वगैरह में नहीं देख सकते हो तो गूगल जीमेल पर जाके तो देख सकते हो। तो अभी देखो, अब हम यहाँ पर आ गए, अभी अप्लाई के पर क्लिक कर देंगे। ये देखो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो यहाँ पर अभी टिक मार्क आ जाएगा, और अभी हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए हुई हमारा पुराना H7A। आप ये मोबाइल पर भी कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है डेस्कटॉप मोड ऑन करना है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। तो किस सर्किल के लिए अप्लाई करोगे वो यहाँ पर आता है। ये देखो, अभी हम महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र से अप्लाई करेंगे, आप कर्नाटक किसी भी स्टेट से हो तो वहाँ पर चूज़ करना, हम महाराष्ट्र से अप्लाई करेंगे। ये सबमिट हो गया, OTP सेंड टू यूअर, तभी हमारे मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो अभी हम, हाँ तो ये देखो, अभी इसमें एड्रेस वगैरह हम पूरा डालेंगे, तो जो आधार कार्ड पर आपका एड्रेस है वही इसमें डालना, क्योंकि तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी इस समय। तो अभी हम जल्दी से जल्दी एड्रेस डालते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ डालो आप, मतलब जो भी है कौन सा गांव वगैरह वगैरह। तो हम नीचे जाएंगे, ईयर ऑफ पासिंग वो पिछली बार दिया होगा सिलेक्ट बोर्ड, सिलेक्ट करने के समय पर बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती है। तो आपका मार्कशीट देख लो पहले, 10th का मार्कशीट कैसा है वगैरह वगैरह, और उसके बाद ही सिलेक्ट करना, वैसे ही सिलेक्ट मत कर दो, क्योंकि महाराष्ट्र सिलेक्ट बोर्ड जो अभी हमारा महाराष्ट्र का होगा, तो ये देखो इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ 7 सब्जेक्ट, तो 7 सब्जेक्ट आएगा का हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे 6 सब्जेक्ट है मेन 8 to 2018 सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। हाँ तो यही सब मेरे मार्क्स है यहाँ पर, वो आप देख सकते हो 7 कंटिन्यू। तो इसके बाद आगे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी प्रेफरेंस डालना। तो पहले क्या कर दो, तो ये देखो ये अभी रत्नागिरी डिवीजन में इतना देखो, अभी 10 यहाँ पर पहले पेज पर, 10 दूसरे पेज पर भी, 10 तीसरे, मतलब लगभग ये मुझे लग रहा है कितने स्टेट हो गए, ये देखो 12 लाइन्स है ऐसी, मतलब 117 वैकेंसीज है यहाँ पर, देख सकते हो आप 117 वैकेंसी। तो हमें क्या करना है, सभी में डालना है, सभी में, मतलब एक भी कॉलम रिकामा नहीं छोड़ना है, सभी में सभी में सभी में डालना है। तो ये देखो ये रत्नागिरी का ऐसा हो गया, तो अभी हम प्रेफरेंस 1 इसको 1 डालेंगे, इसको 1 डालेंगे, इसको 2 डालेंगे, इसको 3 डालेंगे, मतलब एक भी बॉक्स रिकामा नहीं छोड़ना है, सभी भर देना है। ये हो गया रत्नागिरी डिवीजन का। तो पहले तो एक आप क्या कर दो, पहले आप BPM सब सिलेक्ट कर दो, उसके बाद ABPM सब सिलेक्ट कर दो। तो आपको भी कुछ पता नहीं हुआ गांव कौन सा कैसा है, मगर
एक बात ध्यान में रखना, एसओ को पहले मत डालना, क्योंकि एसओ को बहुत काम होता है, और बीओ मतलब आपका एक गांव का होता है, और एसओ मतलब सभी गांव के मतलब ऑफिस का काम करना पड़ेगा आपको, तो उसकी ड्यूटी थोड़ी 2 घंटे ज़्यादा होती है, तो इसलिए पहले एसओ मत डालना, सब पहले बीओ डालना, बीओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओ पहले डालना, बीओ ठीक है। ये हो गया रत्नागिरी का हमारा, यहाँ पर सभी का मतलब सभी के सभी भरने प्रेफरेंस। और अभी हम कोल्हापुर का दिखा दे, देखो ये मालेगांव है क्या, देखो अभी कोल्हापुर में वैकेंसी देखे देखते कौन कौन से गांव में, तो एक ये देखो आजरा में है, आलते में है, अमशीदुमाला, अर्जुनवाड़, असलज, भैरेवाड़ी, बालिंगे, भंडोले, भामटे वैकेंसी है। तो आपको 94-93 हो गए तो कोल्हापुर में डाल दो, आपका पक्का हो जाएगा, पहली लिस्ट में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे लिस्ट में हो जाएगा। 94-93 ओपन वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, तो ओबीसी वाले 1% कम कर लो, SC ST वाले 4-5% कम कर लो, तो ये कोल्हापुर की मेरी प्रिडिक्शन सच में जाएगी, 93-94 वालों का पक्का हो जाएगा। मतलब मैं बेस्ट ऑफ 5 निकाल के बोल रहा हूँ। अभी देखेंगे यहाँ पर BPM कौन है, 3, इसमें 3 ठीक है, इसमें 4 डालोगे, इसमें 5, इसमें 6 ठीक है। तो अभी दूसरा पेज जाओगे, दूसरा पेज में भी BPM पहले डालना है, मतलब ऐसे सभी पहले BPM डालना है, सिर्फ उसके बाद ABPM डालना है, जो भी आपका लक होगा, जो भी आपका क्या होगा ऊपर वाले के हाथ में होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। कोल्हापुर डिवीजन में 93-94 वालों को अप्लाई कर दो। और अभी हम देखेंगे रत्नागिरी तो हो गया, मिरज में कितनी है, मिरज में 2 ही वैकेंसी है, तो मिरज में तो कोई चांस नहीं इस बार, तो मिरज छोड़ ही दो, कुछ भी बता नहीं सकते क्योंकि मिरज को कौन डालेगा भी नहीं, तो को दो कौन डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। पुणे सिटी वो तो छोड़ ही दो, तो 96-95 वो ऊपर वाली स्टेट से, सिंधुदुर्ग में थोड़ा कम जाएगा, मगर क्या हो रहा है आजकल सभी उस पर ही डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो देखकर भी वहाँ पर डालेंगे, तो मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि भाई कौन सा डालो, तो आप थोड़ी रिसर्च कर दो और वहाँ पर डालो, क्योंकि मैं यहाँ पर से बताऊँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेफर कर देंगे और वहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा है आप ही थोड़ा सजेस्ट आप ही थोड़ा देख लो। ये देखो सिंधुदुर्ग में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, रत्नागिरी में जास्त वैकेंसी है यहाँ पर, तो मेरा तो यही दिक्कत है थोड़ी। तो ये देखो ये सिंधुदुर्ग, आपको प्रेफरेंस कैसा करना है आपको पता चल गया, तो बाकी कुछ नहीं करना है, प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है ऐसा ऐसा, तो उसके बाद सेव एंड प्रोसीड, तो उसके बाद कुछ चूज प्रेफरेंस और प्रिंट एप्लीकेशन होगा, तो इसलिए मैं अभी भरने वाला हूँ, तो मैं अभी भरने वाला ही हूँ, तो देखेंगे कोल्हापुर में मिल जाएगा तो कोल्हापुर में अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर का तो ये है ही। तो मैंने आपको बता दिया है कैसा कैसा भरना है, तो बहुत ध्यान से भर दीजिए, कोई भी मिस्टेक मत कर दीजिए, ये अभी मतलब डिटेल इतना कोई नहीं बताएगा कि क्या क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरना है, मार्क्स बहुत अच्छे से भरना है, 2-3 बार चेक कर लो कि इस सब्जेक्ट में ऐसा ही मार्क है ऐसा वैसा वगैरह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो डिवीजन, वैकेंसी वगैरह देख कर, और पिछले साल का कट ऑफ भी देख कर, कट ऑफ आपको कहाँ पर दिखाई देगा, मेरा टेलीग्राम का चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा 3-4 PDF पिछले साल की, तो आपको वो थोड़ा रियलाइज़ कर दो, अपने आप कर दो, मुझे मतलब बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि कौन सा डालो, अबे मुझे भी पता नहीं था कि कौन सा डालना है, मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ी रिसर्च वगैरह मगर करो अच्छे से कि क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको रत्नागिरी डिवीजन करोगे तो ऐसा आएगा, बाकी के डिवीजन सिलेक्ट कर दोगे तो ऐसा आएगा, तो टेंशन मत लेना, जो भी है मतलब आपकी सोचिए भी मत कि क्या क्या करना है। तो चलो आज तो बहुत लंबा वीडियो खिंच गया, मगर आपको आशा करता हूँ सब कुछ समझ आ चुका होगा कि कैसा कैसा अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो वीडियो, चलो